हेलो गाइस, वेलकम टू GYS। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 22 सितंबर के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि रिवीजन में आपकी हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है हमारा, फ्लेवोनॉइड ग्रुप हैं फोटो न्यूट्रिएंट्स के, जो कि ऑलमोस्ट सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है ये, और कार्टेनोइड, ये मतलब कौन? फ्लेवोनॉइड अलॉन्ग विद कार्टेनोइड्स रिस्पॉन्सिबल है, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में तरह तरह के कलर आपको दिखाई देते हैं उनके लिए भी। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फ्लेवोनॉइड गुणवत्ता के लिए होते हैं फ्रूट्स में, और काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आपकी बॉडी के लिए भी। तो न्यूज़ में तो याद रखना, प्लेसेबोज आर, प्लेसेबो क्या होते हैं? देखिए, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बनाए ऐसे जाते हैं कि लगे जैसा कोई ड्रग है, रियल ड्रग, बट इट इज़ नॉट अ रियल ड्रग, ठीक है। ठीक है, बनता ही ऐसे ही है, बिल्कुल दिखता ऐसे ही है जैसे बहुत ड्रग है ये, लेकिन ये ड्रग नहीं होता है, ठीक है। ये दिखता ड्रग जैसा, क्योंकि इसमें एक्टिव ड्रग नहीं होता है, एक्टिव ड्रग नहीं होता, ठीक है। ये प्लेसिबो इफेक्ट आपने सुना है, इसका नाम प्लेसिबो इफेक्ट। कई बार क्या होता है, ट्रीटमेंट नहीं देते ना डॉक्टर, आपको झूठा मूठा इलाज कर देते हैं ऐसे ही, और फिर आपको लगता है ट्रीटमेंट हो गया है तो मैं ठीक भी हो जाऊंगा, और आप ठीक भी हो जाते हो। तो प्लेसेबोस है, यानी प्लेसेबो इफेक्ट क्या होता है कि ट्रीटमेंट हुआ नहीं लेकिन आपको ऐसा लगा कि ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है। तो प्लेसेबो इफेक्ट इसे कहते हैं, और प्लेसेबो सेम टू सेम मिलता जुलता है। क्या होगा प्लेसेबो? वही जो लगता है से जैसे ड्रग है लेकिन ड्रग होता नहीं है, समझ गए? तो ये बात आपको जो है याद रखना है। तो इसमें आपको ए ही इसका आंसर होगा, तो ए इसका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन बताना है जीआई टैग के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताओ। जीआई इज़ प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी। जीआई जो है, जीआई टैग जिसको मिलता है, वो किसी प्रोडक्ट को मिलता है जो एग्रीकल्चर हो सकता है, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है प्राइमरली, जो ओनली नहीं है यहाँ पे, प्राइमरली लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि नेचुरल भी हो सकता है और मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है, और जिसकी एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दो जीआई सर्टिफिकेट इशू हो सकते हैं एक ही प्रोड्यूस के लिए, अगर एप्लीकेशन फिल कर दी गई है तो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क के पास। अब याद रखने वाली बात यह है कि जीआई टैग कभी भी दो इशू नहीं हो सकते एक ही प्रोडक्ट के लिए। अभी बासमती राइस का इशू देखा था आपने, पहले ही कुछ स्टेट्स को मिल चुका है, और मध्य प्रदेश जो है वो कह रहा है कि मुझे भी चाहिए, तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दी थी कि एक ही प्रोड्यूस के लिए दो जीआई टैग यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और दूसरा गलत है, तो इसका आंसर होगा ए, वन ओनली। जीआई टैग कितने सालों के लिए होता है? 10 सालों के लिए। जीआई टैग और ट्रेडमार्क में फ़र्क क्या होता है? देखिए, ट्रेडमार्क क्या होता है, आपकी कंपनी है, आपने ना खुद की कंपनी को डिस्टिंक्टिव तरीके से बनाया, मतलब एक आपका जो लोगो है, आपका जो नाम है, या कुछ भी जो पहचान है, वो एक आप यूनिक रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि उसको कोई कॉपी करे, तो आप उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर देते हैं। भैया, हमारी ट्रेड की, हमारे व्यापार की एक मार्क है, पहचान है। ट्रेडमार्क किसी एक एंटरप्राइज को मिलता है, लेकिन जीआई टैग बहुत सारे लोगों को भी मिलता है, बहुत सारे लोगों को भी मिल सकता है। भाई, बासमती जो राइस उगाते हैं, बासमती राइस को जीआई टैग मिला हुआ है तो किसी एक किसान को थोड़ी मिला हुआ है। एक स्टेट में जीआई टैग का मतलब है कि वहाँ के स्टेट के लोग कोई भी उस प्रोडक्ट को उगा सकते हैं, तो एक स्पेशल कोई पार्टिकुलर एंटरप्राइज को नहीं मिलता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को मिल जाता है, ये प्रोडक्ट को मिलता है, समझ रहे हो ना? जीआई जो टैग होता है प्रोडक्ट को मिलता है, प्रोड्यूसर्स को नहीं मिलता। प्रोड्यूसर्स तो ठीक है, बना रहे हो आप वो चीज़, अगर वो क्वालिटी आप बना सकते हो तो आप बना लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना उसमें। जीआई टैग अगर मान लो बासमती राइस को मिला है, तो बासमती राइस जिस क्वालिटी के लिए मिला है, जिस डेफिनेटिव ज्योग्राफिकल टेरिटरी के लिए मिला है, जिस गुणवत्ता के लिए मिला है, उस चावल को कोई भी अगर उसी गुणवत्ता से उगा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ट्रेडमार्क में भले ही आप उस कंपनी के जैसा काम कर लो, लेकिन वो ट्रेडमार्क आपका नहीं हो सकता। ट्रेडमार्क किसी एक कंपनी का वैसा ही रहता है, अलग नहीं होता। ट्रेडमार्क एक अलग पहचान दिलाने में काम करता है, और इससे जो होता है कंपनी की पहचान भी बढ़ती है। जीआई टैग से भी पहचान बढ़ती है प्रोडक्ट की, लेकिन जीआई टैग से कस्टमर्स को भी फायदा होता है कि उनको एक
आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ जिस प्रोडक्ट की हम तलाश कर रहे हैं, जिस गुणवत्ता की हम तलाश कर रहे हैं वो डुप्लीकेट नहीं है, वो यही प्रोडक्ट है, समझ रहे हो ना। तो 10 साल के लिए रजिस्टर होता है, 10 साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये GI टैग का जो है मसला है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन ओनली इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन बताइए। एस्ट्रोजिन और प्रोस्टोजिन दो मेन सेक्स हार्मोन है वुमेन के अंदर, बिल्कुल सही। मेल बॉडी में भी एस्ट्रोजिन और प्रोड्यूस होता है और प्रोस्टोजिन प्रोजेस्टेरोन भी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मैन वुमेन में भी होते हैं और मेल में भी होते हैं। तो इसका सी यहाँ पे आपका आंसर होगा। देखिए 22 सितंबर के जो है क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम 23 सितंबर के लेते हैं क्योंकि 22 सितंबर को इतने क्वेश्चन नहीं थे, तो आगे बढ़ जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन बताना है जीरो आवर के बारे में, एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, ठीक है। पार्लियामेंट्री रूल बुक्स में मेंशन नहीं है, ठीक है। MP बिना किसी नोटिस के मैटर उठा सकते हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या आता है अपने पार्लियामेंट में, क्वेश्चन आवर, फिर आता है आपका जीरो आवर। जीरो आवर रूल बुक में मेंशन नहीं है, हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, न्यूज़ में क्यों था। जीरो आवर अभी शॉर्ट कर दिया था ना सरकार ने कुछ समय के लिए, या एक दिन में सस्पेंड कर दिया था कि जीरो आवर अब नहीं होगा इस सेशन में, या फिर मुझे याद नहीं है सिटिंग में क्या था, लेकिन जीरो आवर जो है कट करने के लिए सरकार पे सवाल उठाए जा रहे थे। तो जीरो आवर याद रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन आवर भी याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री टूल्स है ताकि एग्जीक्यूटिव पे चेकिंग बनी रहे, एग्जीक्यूटिव को बैलेंस और चेक्स का जो सिस्टम है वो बना रहे, ठीक है, याद रखिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, आर्टिकल 19 पढ़ा है आपने, स्पीच और एक्सप्रेशन पढ़ा है, उसमें उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना फंडामेंटल राइट्स में, उसमें आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि अलग से अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है खुद के कंटेम्प्ट को पनिश करने के लिए 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, क्या गलत दे रखा है। दोनों के दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं, ये हम भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, 219 आर्टिकल 219 पढ़ा है आपने, तो आर्टिकल 219 में आपको ये एक मिनट 219 नहीं सॉरी 129 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये 129 आर्टिकल है आपका, इसमें सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कह रही है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू भी कर सकता है, उनको चेंज भी कर सकता है, एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, खुद के कंटेम्प्ट को पनिश करने की पावर इसने आर्टिकल 129 में ले रखी है। एक बात तो सब समझ में आती है, हाई कोर्ट के लिए भी पावर मिली हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, हाई कोर्ट को भी जो है खुद को पावर मिली हुई है। स्टेट्स में हम जाएंगे, हाई कोर्ट्स में और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 215 आपको 215 हाई कोर्ट के लिए याद रखना है, ठीक है, 215 आपका हाई कोर्ट के लिए, 215 आपका हाई कोर्ट के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है लेकिन ये हाई कोर्ट्स के लिए, और साफ दे रखा है हाई कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वो जो मैंने बताया कि किस अपने जजमेंट को रिव्यू भी कर सकता है, साथ ही साथ अपने कंटेम्प्ट को पनिश भी कर सकता है। अब एक बात आपने नोटिस की होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की अपने 129 आर्टिकल में कह दी और 215 में हाई कोर्ट ने अपने लिए कह दी, लेकिन हम सुनते हैं कि यार जो हाई कोर्ट होता है उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए होता क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका एक्ट आया था, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दी गई थी कि वो हाई कोर्ट को ही नहीं अपने को तो कर ही कर, अपने कंटेम्प्ट को तो पनिश कर सकते हैं,
आर्टिकल में भी कर सकते हैं जो आर्टिकल दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 129, आप एक्ट के जरिए वो हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट को भी पनिश कर सकेंगे और सबॉर्डिनेट कोर्ट के जो कंटेम्प्ट होते हैं उनको भी पनिश कर सकेंगे। ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश कर सकता है और सबॉर्डिनेट कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश कर सकता है। हाई कोर्ट जो है वो खुद के भी कर सकता है और अपने जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनके कंटेम्प्ट को पनिश कर सकता है। तो अपने से सबॉर्डिनेट की जिम्मेदारी बड़े को दे दी गई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अब याद रखेंगे आप, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिविल भी होती है और क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। सिविल होता है जब आप डिसोबीडियंस करते हो और जब स्कैंडलाइज करते हो, इंटरफेयर करते हो, ये सब करते हो तो क्रिमिनल होता है। अच्छा, एक याद रखना, मालगांवकर केस हुआ था सबसे पहले 1978 में, मूलगांवकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको मूलगांवकर प्रिंसिपल भी कहते हैं आज की तारीख में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ओरिजिनेशन वहाँ से हुआ था। तो याद सकता है मूलगांवकर प्रिंसिपल 1978 या मूलगांवकर केस, ठीक है, याद रखना। तो ये दोनों जो है आपको याद रहनी चाहिए। और आपको लग रहा है कि अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं रिवीजन करवा दूंगा, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कि टेलीग्राम पे आपको सारे क्वेश्चन हमारे मिल जाएंगे। इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ कि स्टेट इलेक्शन जो कमिश्नर है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते उनके ऑफिस से एक्सेप्ट अ मैनर और ग्राउंड लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही। उनकी जो कंडीशन होगी वो जो है आप उनके डिसएडवांटेज में चेंज नहीं कर सकते जो कंडीशन है सर्विस की आफ्टर इज अपॉइंटमेंट। इनकरेक्ट बताना था और दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा डी, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स। न्यूज़ में था, काफ़ी है, पढ़ लेना इसके बारे में। क्या ये एसोसिएशन है किसका? रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज का। किस किस की? स्टेट्स की। ऑल स्टेट नोडल एजेंसीज, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्टेट की नोडल एजेंसी है वो उसके मेंबर है, बिल्कुल सही। ये खुद जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, ये खुद सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दोनों में कोई भी गलती नहीं है। इसका आंसर होगा, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इनकरेक्ट होगा, तो आंसर आपका डी होगा, ठीक है। तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चीज़ें पढ़नी नहीं चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। बेसिकली न्यूज़ में भी थी और ये आप दिमाग लगाइए, मिनिस्ट्री कौन सी हो सकती है? रिन्यूएबल एनर्जी की अगर एसोसिएशन है तो उसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगी, उसका इनिशिएटिव है ये। क्यों है ये? साथ में मिलकर काम करेंगे, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे और बस, ज़्यादा क्या हो सकता है। और सोसाइटी है, या तो मैंने दूसरे स्टेटमेंट बता दिया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसका जो पैट्रॉन होता है एसोसिएशन का वो कौन होता है? पेट्रोन जो है एसोसिएशन का वो मिनिस्टर ही है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। और एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन है इस एसोसिएशन का? वो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री का। पेट्रोन कौन है? मिनिस्टर खुद इस मिनिस्ट्री का रिन्यूएबल एनर्जी की। और एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन है? सेक्रेटरी उसी मिनिस्ट्री का रिन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है। तो सारी स्टेट की जो एजेंसीज है वो भी इसके अंदर जो है मेंबर है, होंगी ही, क्यों नहीं होंगी? करेक्ट ऑप्शन बताना है। लोकसभा का जब डिसोल्यूशन होता है तो स्पीकर जो है वो मेंबर तो नहीं रह जाता हाउस का, लेकिन अपनी स्पीकर की ऑफिस को वैकेट नहीं करता, बिल्कुल सही। स्पीकर तब तक रहता है ऑफिस में जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता, बिल्कुल सही। स्पीकर रिजाइन कर सकता है ऑफिस में डिप्टी स्पीकर को रिजाइनेशन दे के लिख कर, बिल्कुल सही। गलत क्या? डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है, दोनों तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है। अच्छा, डिप्टी स्पीकर न्यूज़ में था, स्पीकर आपका लोकसभा में से ही आता है, डिप्टी स्पीकर भी आपका लोकसभा में से आता है। स्पीकर के लिए कोई एज फिक्स नहीं है यहाँ पर, डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी कोई एज फिक्स नहीं है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। आपके सीधे सीधे कोई भी यहाँ पर स्पीकर बन सकता है, कोई भी डेप्यूटी स्पीकर बन सकता है। हाँ, बाकायदा एक जो है यहाँ पर इलेक्शन होता है, जहाँ तक मुझे याद है शायद सिंपल मेजोरिटी से होता है, हाउस में होता है। और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके स्पीकर भी लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑफकोर्स पार्लियामेंट को नहीं होता, क्योंकि पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों जाते हैं। ये बारीकी से याद रख लेना, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है डेप्यूटी स्पीकर। और हाँ, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को सबॉर्डिनेट नहीं होता, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को सबॉर्डिनेट नहीं होता, ये भूल जाना, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। इसलिए सबॉर्डिनेट नहीं होता क्योंकि जब स्पीकर चला जाएगा या कोई भी दिक्कत आ जाएगी, तो कोई भी वैकेट होएगा या वैकेट हो जाएगी, सीटें एबसेंट हो जाएगी, तो उसमें डेप्यूटी स्पीकर को ही आना है। तो यानी डेप्यूटी स्पीकर पहले ही उसकी जगह लेने के लिए बैठा है, तो उसके सबॉर्डिनेट कैसे हो गया? एग्जाम्पल समझाता हूँ, कलेक्टर है, कलेक्टर कुछ हो गया तो क्या डेप्यूटी कलेक्टर को कलेक्टर बना देंगे क्या? दूसरा कलेक्टर आएगा उसकी जगह। तो जब स्पीकर को कुछ हो गया तो उसकी जगह दूसरा आ रहा है, तो उसका मतलब उसकी क्वालिफिकेशन भी स्पीकर के बराबर ही तो हुई, तो सबॉर्डिनेट कैसे हो गया? वो तो एक रिजर्व में आप मान लो ना स्पीकर की पोस्ट को, तो नाम केवल डेप्यूटी स्पीकर है, उसके सबॉर्डिनेट नहीं है वो। तो डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर याद रखना। अच्छा, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कौन फिक्स करता है? स्पीकर। और स्पीकर का इलेक्शन कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट, ये याद रखना।
करेक्ट ऑप्शन बताना है, एनी बेसेंट ने डिमांड की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल की थी, एनी बेसेंट ने नहीं किया लेकिन तिलक ने जो एक्सट्रीमिस्ट को कॉम्प्रेशन को बहुत मददगार माना, बिल्कुल गलत। एनी बेसेंट यहाँ पे और तिलक दोनों ने मिलकर एक्सट्रीमिस्ट का साथ लेने की पूरी पूरी कोशिश की। 1914 के सेशन में भी उन्होंने जो है बहुत कोशिश की लेकिन वो फुल फेल हो गए थे। 1915 में उन्होंने कोशिश की और सक्सेस हुए, और फिर जाके 1916 में जब लखनऊ सेशन हुआ, आप लोगों को याद होगा, तो एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स साथ में आ गए थे, और साथ में जो मुस्लिम लीग थी वो भी आ गई थी, और इसमें यहाँ पे आपका जो पैक्ट बना था लखनऊ पैक्ट बना था, और लखनऊ पैक्ट बना था, और इसका चेयरमैन कौन था सेशन का, प्रेसिडेंट कौन था 1916 में लखनऊ सेशन का, एसी मजूमदार। एनी बेसेंट की बात कर लेते हैं, एनी बेसेंट के दो न्यूज़पेपर थे, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, तो याद रखना न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। तिलक की बात करें तो महारत्ता और केसरी, महारत्ता इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये मैं बता दिया आपको। एनी बेसेंट की बात करें तो भैया एनी बेसेंट भी होम रूल लीग खोली थी और तिलक भी खोली थी, तिलक ने पहले खोल लिया था, लेकिन तिलक ने एक महीने पहले खोल लिया था, ठीक है, 1916 में खोल लिया था तिलक ने, उसके एक महीने बाद जो है बेसेंट ने खोल लिया था। तिलक की जो रीच थी ऑर्गेनाइजेशन की वो काफ़ी कम थी, महाराष्ट्र कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंसेस और बैराग तक ही थी, महाराष्ट्र में भी थी लेकिन उसमें बॉम्बे सिटी भी नहीं थी बेसेंट की, जबकि पूरी देश में थी इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। अच्छा, बेसेंट ने अपनी लीग खोली मद्रास में, तिलक ने कहाँ खोली, बेलगाम में, ठीक है, हेडक्वार्टर तो पूना में है, समझ रहे हो ना। तो एनी बेसेंट की जो लीग थी वो मद्रास में खुली थी, और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस थी, 200 ब्रांचेस थी, और बॉम्बे को भी कवर किया था। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कत आ जाएगी, भाई मैनेज कैसे करेंगे। तो लूजली ऑर्गेनाइज था बेसेंट की लीग, लूजली ऑर्गेनाइज थी एज़ कम्पेयर टू तिलक्स लीग, और जॉर्ज अरुंडलिंग के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, याद रखना। बी पी वाडिया, सी पी रामस्वामी अय्यर, ये भी जो है बी डब्ल्यू वाडिया, ये सब भी जो है एनी बेसेंट के साथ जुड़े हुए थे, पहले तिलक ने खोली थी, इतना याद रखिएगा, बस काफ़ी है। तिलक की डिमांड थी स्वराज्य की, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की और वर्नाकुलर एजुकेशन की, सेल्फ गवर्नमेंट भी मांगे थे दोनों ने मिलकर। होम रूल लीग का मतलब ही है ना सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, तो एनी बेसेंट का भी याद रखेंगे और तिलक का भी याद रखेंगे। तो उन्होंने मिलकर जो है मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को मिलाने की कोशिश की। और एक बात और बताऊँ, तिलक ना काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट थे अपने आप में, लेकिन हुआ क्या था, समय की नज़ाकत को समझते हुए खुद ऐसे बोल दिए थे उन्होंने जब अपने जो होम रूल लीग खोली थी उसी टाइम पे, कि भैया ऐसा है कि हम जो है अब सरकार की अवमानना करना छोड़ देंगे, इंसल्ट करना छोड़ देंगे, सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि अब हमको साथ में रहना पड़ेगा। तो समय की नज़ाकत को देखते हुए कुछ टाइम के लिए मॉडरेट बन गए थे, या फिर समझ लो कि एक्सट्रीमिस्ट जो इतनी भावनाएं थी वो छोड़ दी थी, लेकिन बाद में आपको पता है कि होम रूल लीग को भी सप्रेस कर दिया गया। अच्छा, एक बात और, जलियांवाला बाग मास्केर हुआ था तो किस किसने नाइटहुड दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। केसर ए हिंद अवार्ड किसने दिया, महात्मा गांधी ने। एनी बेसेंट के टाइम पे जब एनी बेसेंट होम रूल लीग खोली थी उससे पहले, जलियांवाला बाग मास्करे से पहले, बहुत पहले, तो एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया था, तो किसने अपना नाइटहुड अवार्ड दिया था, वो दिया था बीसी एस सुब्रमण्य अय्यर ने, ठीक है, एस सुब्रमण्य अय्यर, तो यहाँ पे इन्होंने अपना नाइटहुड दे दिया था, ठीक है। और तिलक ने पैसिव रेसिडेंट स्टार्ट कर दिया था, तो ये ध्यान रखना। और ठीक है, अब कुछ याद आता है तो बता दूंगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही सही है, तिलक और एनी बेसेंट। सेकंड स्टेटमेंट में जो कह रखा है कि एनी बेसेंट ने नहीं किया था, नहीं, एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने मिलकर एक्सट्रीमिस्ट की कोऑपरेशन की मदद ली थी। होम रूल लीग को किस किसने ज्वाइन किया, तो याद रखना ऊपर वाला है ना, होम रूल लीग को किस किसने ज्वाइन किया, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल सही, सबने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, सी आर दास जिसको जिनको बोलते हैं आप, एम एम मालवीय, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, तेज बहादुर सपरू, लाला लाजपत राय, के एम मुंशी, ये सब जो है इन्होंने ज्वाइन किया था। नॉन ब्राह्मीण साउथ जो थे उन्होंने होम रूल लीग एजिटेशन ज्वाइन क्यों नहीं किया, पहला कारण, होम रूल लीग का मतलब हुआ उनके लिए हिंदू मेजोरिटी का रूल, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कि होम रूल लीग का यहाँ पे जो है कंप्लीट फेल हो गई थी क्योंकि पॉलिटिकली बैकवर्ड रीजन को अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी कॉमन मैन को। तो देखो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, इसमें पहला स्टेटमेंट ही सही है। देखिए एक बात समझिए, होम रूल लीग ने सबसे बड़ा काम करके दिखाया कि पॉलिटिकली बैकवर्ड रीजन और कॉमन जो मैन था उनको काफ़ी अपील की थी और काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींचा था, खास करके गुजरात और सिंध के जो पॉलिटिकली बैकवर्ड रीजन थे, क्योंकि उन्होंने तरीके ही अपनाए पॉलिटिक्स का, कॉन्फ्रेंस का, क्लासेस का, स्टूडेंट्स का, रिलीजियस सॉन्ग्स का, पोस्टर्स लगाए, न्यूज़पेपर लगाए, तो केवल ऊपर से काम नहीं किया मॉडरेट्स की जैसे, नीचे ग्राउंड लेवल पर भी काम किया, तो पब्लिक अट्रैक्ट क्यों नहीं होगी। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए एंग्लो इंडियंस ने भी ज्वाइन नहीं किया,
मोस्ट ऑफ मुस्लिम्स ने भी नहीं किया और साउथ के नॉन ब्राह्मण ने भी नहीं किया, क्योंकि इनको लगा कि हिंदू मेजोरिटी रूल करेगी होम रूल के नाम पे, वो भी हाई कास्ट वाली, तो इनको कोई दिक्कत आ गई थी। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी गलत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। गुड बाय, ख्याल रखिएगा सब अपना, बाहर मत निकलिएगा, मास्क लगा के निकलिएगा, ठीक है? चलिए ख्याल रखिएगा सब।